हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो आज टिट्टू भी मेरे साथ है और हम ये लर्निंग बाइंडर की मदद से शेप्स पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह की बाइंडर आप भी बना लोगे, इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। और ये बाइंडर बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही हैंडी है। इसमें मैंने स्टिकर्स को टिट्टू के थ्रू ही पेस्ट कराया, एक एक्टिविटी कराई और उसी से उसको पढ़ाया भी। तो इस टाइप की जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की बाइंडर उसके लिए बहुत हेल्पफुल है और हम कहीं पे भी बैठ करके उनकी रिवीजन कर सकते हैं इससे। सो लेट्स स्टार्ट शेप्स। तो शेप्स जो हम पढ़ेंगे आज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये तीनों क्लास के लिए हम शेप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस वन इज विच शेप? सर्कल। एग्जाम्पल व्हील, चक्का जो होता है। एंड दिस वन इज विच शेप? ट्राइंगल। एग्जाम्पल सैंडविच। आपको पसंद है सैंडविच? गुड, हेल्दी फूड। दिस वन इज विच शेप? स्क्वायर। एग्जाम्पल चेस बोर्ड। ठीक है, चेस बोर्ड कैसा होता है? स्क्वायर होता है। दिस वन इज रेक्टेंगल। एग्जाम्पल मैट, फुट मैट। एंड दिस वन इज विच शेप? ओवल शेप। एग्जाम्पल एग। दिस वन इज विच शेप? हार्ट शेप। एग्जाम्पल बलून। हार्ट शेप का बलून होता है ना। यू लाइक इट, वेरी गुड। दिस वन इज विच शेप? सिलेंडर। विच शेप? सिलेंडर। सिलेंडर शेप देखा? कैसा होता है ये? एग्जाम्पल बता सकते हो? जैसे बेलन होता है ना, जिससे हम रोटी बेलते हैं, वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। जैसे ये वाला जो डब्बा है ना आपके पास, ये देखो, ये जेम्स का ये डब्बा है ना, ये कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप, दिख रहे हैं ना? तो इस शेप को बोलते हैं हम सिलिंड्रिकल। दिस वन इज विच शेप? स्टार। एंड एग्जाम्पल स्टार फिश। एक तरह की मछली होती है। या फिर नॉर्मली आप जो दिवाली में लाइट्स करते हो, बाहर जो लाइट डालते हो ना, लैम्प जैसा, स्टार जैसा शेप का है ना, हमारे घर भी है ना, हाँ, वो कैसा होता है? स्टार शेप का होता है। स्टार शेप की बिस्किट भी आती है, बहुत सारी चीजें होती है ना स्टार शेप की। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। एंड दिस वन इज विच शेप? क्यूब। क्यूब। एग्जाम्पल क्यूब शेप देखा है कहीं पे? वो रूबिक्स क्यूब आता है ना, पजल, एक आपके पास था ना पजल रूबिक्स क्यूब, तो वो होता है क्यूब शेप। या फिर कोई बॉक्स होगा क्या? हाँ, कोई बॉक्स होता है, जैसे क्यूब शेप का बॉक्स होता है, तो दैट इज ऑल्सो क्यूब। नो, दिस इज नॉट क्यूब। ये जैसे दिस वन इज क्यूब शेप, ये देख रहे हैं, ये क्यूब शेप, ये एक बॉक्स है, ये हमने बनाया था, ये कैसा शेप है? ये क्यूब शेप का है। ओके, दिस वन इज विच शेप? क्यूब शेप। नाउ नेक्स्ट इज विच शेप? क्यूबॉइड। हाँ, एग्जांपल बताओ तो, कहाँ देखा है क्यूबॉइड बेटा आपने? मैच बॉक्स में, वहां पर है मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी होती है ना, वो कैसी होती है? क्यूबॉइड। यस, दिस वन आल्सो क्यूबॉइड। ये जो शेप है ये भी हम बोलेंगे क्यूबॉइड। गुड। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर। स्फीयर कहाँ देखा है? बॉल में देखा है ना, बॉल।
बॉल होता है ना स्फेरिकल, हाँ उसको स्फीयर। आपके पास कोई बॉल होगा, हाँ तो कोई भी बॉल आपका क्या होता है, स्फीयर। ओके एंड दिस वन इज विच शेप, कोन। कोन, कोन कैसा होता है, बर्थडे कैप होता है ना, बर्थडे में पहनते ना कोन शेप का कैप, या आइसक्रीम का कोन होता है ना, आइसक्रीम खाते हैं हम। हम मुझे ना जब मैं खाने उधर गई थी ना तब मुझे कोन वाला डोसा दिया। हाँ डोसा को भी कोन शेप में फोल्ड करके कहीं कहीं पे देते हैं, राइट, वेरी गुड बेटा। एंड दिस वन इज व्हाट, विच शेप, प्रिज्म। प्रिज्म, ये ऊपर से ट्रायंगल दिखता है, नीचे से भी ट्रायंगल दिखता है, प्रिज्म होता है ना, एक कांच का होता है, ग्लास का होता है, बिल्कुल प्रिज्म। हाँ ये एक शेप होता है प्रिज्म। ओके मेरे पास है, यस गुड, दिस वन इज वी कैन से दिस शेप एज प्रिज्म। ये पूरी तरीके से नहीं है बट दिस इज लाइक प्रिज्म, यस यू कैन से दिस प्रिज्म, गुड। So next is, इसी को हम पलट लेंगे, इसके पीछे भी शेप्स है ये देखिए, तो इसको हम इस तरीके से पलट के ऐसे रख देंगे, ओके लाइक दिस, या इसको सीधा कर देते हैं ना, तो इसके पीछे जो है इसमें कुछ शेप्स भी है विथ कलर, तो इससे क्या है बच्चे कलर भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो लेट्स सी दिस वन इज विच शेप, विच कलर, दिस वन इज विच शेप, स्क्वायर, विच कलर, येलो, दिस वन इज विच शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, डोर होता है ना दरवाजा, रेक्टेंगल, विच कलर, ब्लू, दिस वन इज विच शेप, सर्कल, विच कलर, ऑरेंज, दिस वन इज विच शेप, ओवल, कलर, ग्रीन। अभी हमने ओवल में एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, ओवल किसका होता है, ओवल शेप अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, क्या होता है ओवल, ओवल मतलब एग, गुड एग, दिस वन इज विच शेप, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का आधा, ओके सेमी सर्कल, एंड दिस वन उसके नीचे क्या दिख रहा है, मून, मून, मून इज विच शेप, क्रेसेंट, हाँ इसे हम कहते हैं क्रेसेंट, ये सेमी सर्कल नहीं होता, सेमी सर्कल जैसा होता है थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है, बाउल जैसे ऐसे मुड़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेसेंट। सो दिस सेमी सर्कल इज विच कलर, वायलेट, एंड क्रेसेंट इज विच कलर, वाइट, दिस वन इज विच कलर, विच शेप, रॉम्बस, इसे हम क्या कहते हैं, रॉम्बस कहते हैं, काजू कतली होती है ना, रॉम्बस है ना, आपको पसंद है काजू कतली, काजू कतली का शेप क्या होता है, रॉम्बस, ओके विच कलर, ब्लैक, ब्लैक, दिस वन इज विच शेप, हेक्सागन, पेंटागन, देखो फाइव साइड है ना, 1 2 3 4 5, फाइव साइड है ना, पांच साइड है ना इसके, इसीलिए पेंटागन, देखो साइड, वन ये एक साइड है, वन दिस वन टू, दिस वन थ्री, दिस वन फोर एंड दिस वन फाइव, ओके इस शेप को क्या कहते हैं, क्या कहा मैंने अभी, पेंटागन, पेंटागन, विच कलर, पिंक कलर, दिस वन इज विच शेप, रेड कलर, यू लाइक रेड कलर, गुड, दिस वन इज विच शेप, हेक्सागन, गुड, हेक्सागन हाउ मेनी साइड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स साइड हेक्सागन, फाइव साइड पेंटागन, सिक्स साइड हेक्सागन, कलर, ब्लू,
स्काई ब्लू. स्काई ब्लू. दिस वन इज विच शेप? ऑक्टागन. हाउ मेनी साइड? लेट काउंट द साइड्स. 8. ऑक्टागन इज 8 साइड. 8 साइड होते हैं इसके. ठीक है. सो दिस वन इज विच कलर? पर्पल. सो पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड एंड ऑक्टागन 8 साइड. दिस वन इज विच शेप? स्टार. विच कलर? व्हाइट. नेवी ब्लू. नेवी ब्लू. ये स्काई ब्लू होता है. ये जो लाइट ब्लू होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्काई ब्लू जैसा था. कौन सा? ये पर्पल होता है. नो सॉरी, दिस वन इज ब्लू. इससे डार्कर शेड होता है ये. दिस वन इज स्काई ब्लू. ठीक है. ये थोड़ा सबसे लाइट जो ब्लू होता है वो क्या होता है? स्काई ब्लू. दिस वन इज नॉर्मल ब्लू एंड दिस वन इज नेवी ब्लू. ओके. हाँ, फिर से याद रखो, ये स्काई ब्लू नहीं है. ठीक है. हाँ, ये ब्लू है, ये स्काई ब्लू है और ये नेवी ब्लू. दिस वन इज विच शेप? हार्ट शेप. विच कलर? ये देखो, नहीं, पिंक और रेड के बीच का कलर है इसमें. ये पिंकिश भी दिख रहा है, पिंक तो ये हुआ आपका. ठीक है. ये पिंकिश भी दिख रहा है, रेडिश भी दिख रहा है. तो ये कौन सा कलर हुआ? मैजेंटा. इसे हम क्या कहते हैं? मैजेंटा. दिस वन इज विच शेप? क्रॉस शेप. कलर? ग्रे. दिस वन इज विच शेप? शेप. बो एंड एरो होते हैं ना, बो एंड एरो. तीर धनुष होते हैं ना, तीर मारते हैं, तीर है ना, गेम आपको तो पता है. एरो शेप, इस शेप को हम क्या कहते हैं? एरो शेप. हम एरो शेप यूज करते हैं ना बहुत सारी चीजों में. जब हम लिखते हैं तब एरो शेप यूज करते हैं. या आपने देखा होगा रोड में डायरेक्शन के लिए एरो शेप यूज होता है. ऐसे एरो शेप से डायरेक्शन दिया रहता है ना रोड में, कि हमें इस तरफ मुड़ना है. ठीक है. मोस्टली डायरेक्शन के लिए यूज होता है. दिस वन इज विच शेप? मम्मी ये क्या होता है? एरो शेप है, एक शेप है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है. इसका गेम भी आता है एरो जैसे. ठीक है. अब ये बताओ विच शेप? पिरामिड. ये कौन सा शेप है? पिरामिड है. ये कलर क्या है? ब्राउन जैसा है. इसमें कलर नहीं बोला? इसमें कलर बताने नहीं बोला है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कौन सा कलर है? पिरामिड. ब्राउन कलर. ओके. सो ये तो आज टिट्टू ने फिनिश कर दिया. तो आप भी इसी तरह से बाइंडर से बच्चे को पढ़ाए, ये बहुत इजी होता है और इससे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा हैंडी है. कहीं पे भी आप लेकर के बैठ सकते हो और बच्चे को ये जनरल नॉलेज पढ़ा सकते हो. मोस्टली जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें इसका भी नॉलेज होना ज़रूरी होता है. So, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. टिल देन बाय. से चिट्टू बाय. टिल देन बाय.